लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से प्रोग्रेसिव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन काम होता है, हम सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट के अनुसार हम उन लोगों को ग्रोसरी सप्लाई कर देते हैं। जिन लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत होती है हम मेडिसिन सप्लाई कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो खाना नहीं बना पाते तो हम उनके लिए फूड फूड सप्लाई करते हैं, बना हुआ खाना भी हम उसको सप्लाई करते हैं। तो आइए हम डेट वाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी फाउंडेशन ने लोगों तक कैसे अप्रोच बनाई और हम लोगों ने लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए हमने क्या क्या किया। तो आइए देखते एक छोटी सी झलक। उधर ही रहो। हाँ आ रहे आ रहे, उधर ही आएंगे। बाथरूम के उधर कहाँ पे आना है? ये नाक पे बांधो, चलो दूर थोड़ा रहो और नाक पे सब बांधो। पैकेट ना थकले पड़े हमें बोलते तू भी नीचे बाटी नहीं आसो दामी बाटी में तुम्हारे सब दिए আমাদের না কোনো জায়গায় কোনো আমরা হেল্প পাচ্ছি না, আমাদের কিছু করছে কিছুই তো করছে না, আমরা না খেয়ে মরছি, কোনো জায়গায় কাজ নেই, ঘরের মধ্যে বন্ধ। লকডাউন 25 দিন হোগা, লকডাউন সে আবি তক সরকার সে কিছু নাই মিলেগা, খানা পিনে কে লিয়ে বহুত প্রবলেম হ্যায়। হ্যাঁ আর ইতনা দিন হোগা না আপ হি আয়া আর কোই নাই আয়া গা। হ্যাঁ ইসলিয়ে মাই খানা কে লিয়ে সরকার কো কুছ মেরা গোলকি মোহতার দিদির কাছে একটু আবদারচাচি, আমরা এখানে কলকাতা থেকে এসে এখানে খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু পেছি না, কাজকর্মও পেছি না, এই বোম্বাই এসে ফেঁসে গেছি। তা মমতা দিদি আমাদের কেন কাজের কেন কিচ্ছু স্টেপ যদি দুটি খাবারও দেয় তাও একটু ভালো হয়। গাড়ি পর্যন্ত বন্ধ, লড়া সরা ঘরের মধ্যে বসে আছি, না খেয়ে না দিয়ে বসে আছি, অন্ন পাঠানোর চেষ্টা নেয় তা একটু আমাদের হেফাজত হয়। এই ছেলে বাল বাচ্চা নিয়ে এসে আমরা কিছুই খেতে পাই না, আমরা সারাদিন আমরা চার পাঁচ আদমি আমরা এখানে আছি, আমরা পাঁচ আদমি সারাদিনের মধ্যে একবার খাই, আমাদের খানাই নেই, আমরা কোথায় মিলবে? দিদি আমাদের গাড়ির ব্যবস্থা না হলে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের করে দাও। নমস্কার দিদি, আমরা এখানে বোম্বেতে এসেছি, আমরা এখানে ফেঁসে গেছি, না গাড়ি আছে না খাওয়া আছে, আমাদের আমাদের খাওয়ার জন্য সাহায্য করো কিছু, আমাদের খাওয়া দাওয়া কিছু এখানে মিলছে না গো, আজ 20 দিন হয়ে গেছে, এখনো যদি 15 দিন হয় তো আমরা কি করবো? হয় গাড়ি দাও নাহলে খাওয়ার দাও। নমস্কার দিদি, আমরা কোনোদিন খাওয়া পাই, কোনোদিন খাওয়া পাই না, কোনোদিন জোটে কোনোদিন জোটে না, আরে এক মাস ধরে কাজ বন্ধ, আমরা কি করবো? না খেয়ে কি মরবো না বাঁচবো? কোনোদিন খাইনি, কোনোদিন মুড়ি খাই, কোনোদিন চাল ভাজা খাই। ইয়াহ পে বঙ্গাল কে বহুত সে লোক মমতা দিদি সে বিনম্র বিনতি করছি কি এখানে ধ্যান দেন, এখানে যে গরিব মানুষ আছে বাঙালি লোক আছে ওকে চেষ্টা করো না তো সব ওকে এরকমই সব। अभी मैं खेरना गांव के MIDC इलाके में हूँ, सलोजा रायगढ़। ग्राम पंचायत के हमारे सदस्य है मात्र साहब, संजय जी आए हैं, खाना बटाटा इत्यादि सामान लेके आए, उसके बाद भी ये लकड़ा, जिनके घर में गैस नहीं है उनके लिए लकड़ा भी लेके आए। अगर हम चावल अपनी दे भी देते हैं इनको तो इनके पास खाना बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है, या तो लकड़ी लाके नाक पे बांध के रखा है। पे बिल्डिंग्स में काम करते हैं, इनके पास काफ़ी टाइम से राशन नहीं पहुंचा है और ये काफ़ी तकलीफ में है, तो मैं गुजारिश करता हूं सरकार से कि इनके पास राशन जो है
इमीडिएट इनको थाना प्रभारी महोदय की तरफ से इतना हेल्प किया है हम लोगों का, मैं उसका तहे दिल से स्वागत दीपक सिंह की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, पोस्टमैन का काम किया है, मदद उन्होंने की है। मैंने जो फाउंडेशन जे आहे त्याचे चेअरमन संजय सरप साहेब आहे, ते समस्या सगळ्यांच्या घरोघरी जाऊन आम्ही हे धान्य दिलेलं आहे। आणि आता आम्ही पुढच्या ज्या काही आदिवासी वाड्या आहेत त्या आदिवासी वाड्यांमध्ये जाऊन धान्य वाटतो। आजचा जो कार्यक्रम है प्रोग्रेसिव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से खाना बांटने का कार्यक्रम रखा गया है, और इस कार्यक्रम में जो सहभागी है और ये खाना बांटने में रचना गोयल और वरुण घोष, जो वरुण घोष का भी इसमें योगदान है, जिन लोगों ने खाना बनाने के लिए हमको डोनेशन दिया, जिसकी वजह से हम खाना इंडिया फाउंडेशन और केरला समाज की ट्रस्ट से की तरफ से हम लोग को खाने का पैकेट, पानी का बोतल उनको हम साथ में दे रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम जब तक लॉकडाउन जब तक चालू है तब तक ये हमारा कार्यक्रम चालू रहेगा। आप लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचाइए। कमाई नड़तुन्ना കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ്റെ ഭക്ഷണ വിതരണം കാർഗർ സെക്ടർ 20 ശില്പ് ചോക്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രോഗ്രസീവ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ സർവേ കാരണം സർവേ കാരണമേ റിപ്പോർട്ട് ബനാതാ का सामना करना पड़ रहा है, उनको किस चीज़ की तकलीफ है। तो यहाँ सर्वे करने के बाद मैंने पाया ये लोग तेलंगाना से आए हैं और जो भी लोग डोनेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा, यहाँ पे करीब 200 के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं जिनको खाने की, पानी की, सैनिटाइजर की, मास्क की बेहद ज़रूरत है। तो आप सब लोग यहाँ तक पहुँचे, इसका एड्रेस है सेक्टर 8 गुडविल बिल्डिंग के बिल्कुल। आज का जो कार्यक्रम है खारगर हेल्पिंग ग्रुप की तरफ से रखा गया है। हमारे हेल्पिंग ग्रुप के अंदर कम से कम 15-20 मेंबर हैं जो हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। वाशी पोलीस ठाण्याच्या वतीने मी वाशीच्या पूर्ण रहिवाशांना हे विनंती करतो की सध्या जागतिक मारामारी असल्याने प्रशासनाने संचारबंदी लागू केली असल्याने सर्वांना विनंती आहे की आपापल्या घरी राहा, अत्यावश्यक कारणाशिवाय घराच्या बाहेर पडू नका, कारण आपल्या एका चुकीमुळं आपला पूर्ण परिवार आणि पूर्ण इमारतीचे किंवा समाज अडचणीत येऊ शकतो। खाने का प्रोग्राम रखा हुआ है और जितने भी ग्रुप हैं ये ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं। तो जो लोग हमारे सामने खड़े हैं इनकी तरफ से 200 मास्क इनको दिया जा रहा है पुलिस ऑफिसर्स को देने के लिए। और इनके ग्रुप का नाम है एसोसिएशन ऑफ मेरी टाइम फैटर्निटी AMF। तो मैं इन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने ये 200 मास्क दिए लोगों तक पहुँचाने के लिए। आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक संजय सर जो इतना नोबल काम कर रहे हैं यहाँ पे आके, और मैं बाकी भी लोगों से सिर्फ अपील करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इनकी हेल्प कर सकते हैं, आप नंबर इनका देख सकते हैं, बाहर मत आइए, इन्हें से कॉल करिए, कॉन्टैक्ट करिए, प्लीज़ हेल्प, थैंक्स अ लॉट। और हमारे साथ खारगर केरला समाज के सेक्रेटरी मिस्टर रामाकृष्ण साहब हैं, मैन पावर कंप्लीट इनका है, सारे के सारे वॉलंटियर्स जितने भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे के सारे वॉलंटियर्स खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। रामाकृष्ण जी प्लीज़। खारगर केरला समाज एसोसिएशन विद प्रोग्रेसिव फाउंडेशन का जो कम्युनिटी किचन का आज 5th डे है खारगर का, अलग अलग इलाके में शिल्प चौक, खारगर गांव, पेट गांव और सेक्टर 8 का इलाका खारगर का, फाउंडेशन एसोसिएशन ऑफ मैरिटाइम फ्रेटर्निटी, टेस्ट ऑफ पंजाब, रोड लो डायमंड एक्सपोर्ट, कैसन लो प्राइवेट लिमिटेड, इन्हीं का मदद से हो रहा है। सभी को हमारे तरफ से थैंक यू। खारगर केरला समाज और एसोसिएशन ऑफ मैरिटाइम फ्रेटर्निटी उनके साथ मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे खाने का कार्यक्रम रखा है। मैं प्रोग्रेसिव इंडिया फाउंडेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे लोग खारगर केरला समाजम को वो लोग प्रेजेंट करते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें, और आप अगर ये नंबर आप ले लें यहाँ से 9004100088 तो आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की आपको जरूरत हो
आप हमें फोन कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि केरला कारगर समाज के साथ मिलके वो चीजें हम उन तक पहुंचा पाए। पुअर लोग हैं, उनको हम फ्री में ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग घर से मत निकलिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कारगर केरला समाज को कॉन्टेक्ट कीजिए या प्रोग्रेसिव को कॉन्टेक्ट कीजिए, हम पूरी आपको हेल्प देने की पूरी। चौक में हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, खारगर में खाना बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। गांव सेक्टर 33 में ये कार्यक्रम चालू है। खारगर सेक्टर 15 डी मार्टिन्റെ മുന്നിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഭക്ഷണ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്। मैं गौतम जयसवाल, एसएससी नंबर टाइम फ्रेटर्निटी एंड प्रोग्रेसिव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आज हम लोगों ने 150 लोगों को खाना वितरण किया एंड 150 लोगों का टेम्परेचर चेक किया है। और ये आज के लिए आज का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं प्रोग्रेसिव इंडिया फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जितने भी वॉलंटियर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे लोग खारगर केरला समाज के लोग हैं और इस काम में मदद कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ मैरिटाइम फ्रेटर्निटी, जिनकी तरफ से हमें मदद मिलती रहती है और झील है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हम कोविड की बात करते हैं, कोविड से लड़ा कैसे जाए। कोविड से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, अच्छा खाना खाइए, अपने घर में रहिए, कम से कम लोगों से मिलिए। अगर कोई भी सिम्टम आपको ऐसा नज़र आता है जिसमें बुखार है, ठंडी लग रही है, गले में खराश है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इमीडिएट आप डॉक्टर के पास जाइए और इमीडिएट आपको इलाज कराने की ज़रूरत है। इसमें आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करें, ये बेहद ज़रूरी है। WHO के जो गाइडलाइंस हैं आप उसको फॉलो कीजिए। मैं अभी उल्वे गाँव में हूँ और मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, यहाँ के जो लेबर क्लास है, इन सारे लोगों ने ही यहाँ पे लोगों तक खाना पहुँचाने का काम किया है। ये हमारे वॉलंटियर्स नहीं है, ये हमारे वॉरियर्स हैं। क्यों गाइस, वी आर कमांडर्स। नहीं जाते हैं वहाँ पे, ये लोग घर से बाहर आते हैं और लोगों को ढूंढते हैं और उन तक राशन पहुँचाते हैं। वाकई मैं इन जैसे कमांडर्स की हमारी देश की जरूरत है। मैं फिर और इसको हमारी मदद नहीं मानी जाए, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम निभा रहे हैं। हम मदद नहीं कर रहे किसी की, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लोकेशन पे, थैंक यू। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें, और आप अगर ये नंबर आप ले रहे हैं यहाँ से 9004100888, तो आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की आपको जरूरत हो आप हमें फोन कीजिए, आपको हेल्प देने की पूरी कोशिश पहुंचाया जाए, उनको खाने की व्यवस्था की जाए। ये हमारे सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमारे इस मुसीबत के टाइम पे एक भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आदमी भूखा रहेगा तो कोरोना जैसी बीमारी से कैसे लड़ पाएगा। कैंप लगाया है यहाँ पे, हम लोग बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों की मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं। उस मेडिकल टेस्ट में हम उनके फीवर को जांच करते हैं, उनका मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, उसके बाद हम उनको मेडिकल सर्टिफिकेट। अभी मैं टैक्सी स्टैंड हीरानंदानी खारगर के पास हूँ और यहाँ पे लोगों तक खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। आज हम बात करते हैं कोरोना की, खारगर में कोरोना की जो अफेक्टेड है वो एरिया बढ़ता जा रहा है। तो मेरी लोगों से गुजारिश है अपने घर पे रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, और जो लोग भी अपने गांव जाना चाहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म को भरिए और पुलिस तक सबमिट कीजिए, आपको जाने की परमिशन मिल सकती है।
केजरीवाल साहब थे, ये सेक्टर 20 में रहते हैं और इन्होंने अपने घर से खाना बनाया है लोगों को बांटने के लिए। अगर इन लोगों की ऐसी मदद मुझे मिलती रही तो कोई भी खारगर में भूखा नहीं सोएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से ये सोच रहा था कि कोरोना के कारण कितने लोग भूखे सो रहे हैं। मैं अपने ग्रॉसरी खरीदने के लिए आता जाता रहता, मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम भी क्यों भी थोड़ा बहुत मदद कर सके, तो मैंने घर से कुछ 50 पैकेट बनवाए हैं पूरी सब्जी के और 50 छाछ के डिब्बे मैंने खरीदे, तो इससे जितनी मेरे मैं जितनी मदद कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ मदद करने। ऐसा लगता है कि नहीं उनको फीवर है तो सीधे ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। ऐसा अभी आपके पास ऐसे कोई आए जो कि देख रहा हूँ कि पूरा आपने एक सिस्टमेटिक और सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसा आए कि जिसको लगा कि फीवर जाता है या उनको कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको फिर तो उनको यदि ऐसा आता है तो उनके लिए आपके पास क्या है, आप किसको फोन करेंगे? मेरे पास इस अगर कोई भी जिनका फीवर ज़्यादा हो तो यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पनवेल, तो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो टीम है, तो हमारे सेक्टर 12 में हॉस्पिटल है, हम जब चेक कर रहे हैं दरमियान जब उनको मालूम पड़ता है फीवर 102 104 105 है, तो हम इमीडिएट उनको इन्फॉर्म करते हैं, या तो वहाँ खुद चले जाते हैं या वहाँ के जो लोग हैं हम कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टर तक उनको पहुँचा दें। और फीवर होने का मतलब ही नहीं कि उसको कोरोना है, फिर फीवर के साथ साथ अगर कफ है, अगर गले में खराश है या सांस लेने में तकलीफ हो रही तो सीरियस मैटर हो सकता है। मेरी टीम ये है कि फीवर ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट सेक्टर तक हम उस बातों को पहुँचाए, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको डॉक्टर तक हम पहले पहुँचाएं। तो जहाँ जहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं या जो लोग यहाँ पे आते हैं हम उन सभी लोगों का फीवर टेस्ट करते हैं, बाकायदे उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं और गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। अच्छा, तो ऐसा आया जिसको आपने रिपोर्ट किया था? ऐसा हम लोग सेक्टर 8 में हम लोग गए थे, एक यहाँ पे गुडविल बिल्डिंग है उसके पीछे कुछ तेलंगाना के लोग गए थे, जब वहाँ पे मैंने विजिट किया तो उस समय मुझे बताया गया कि एक आदमी है जिसको बुखार भी रहती है और उसको सर्दी भी लगती है, तो उसको हम लोगों ने इमीडिएट यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके डॉक्टर हैं उनको हमने फ़ोन किया, उनकी टीम वहाँ पे गई और उन लोगों ने वहाँ पर उसको लेकर आए, लेकिन 2-3 दिन मेडिसिन देने के बाद मालूम पड़ा कि कोरोना नहीं है, जस्ट उसको फीवर था जो वो ठीक हो गया। तो देखिए ये ऐसी भी घटनाएं आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिनको भी सर्दी हो गया, खांसी हो गया या फिर फीवर है तो वो डर के मारे अपने आपको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर पास नहीं जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, यदि वो सिम्टम्स आते हैं तो सीधे या फिर आपको जैसे सर्दी खांसी या फीवर तेज फीवर है तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, आपको उसे छुपाने या डरने की बात नहीं है कि सबको कोरोना हो रहा है। तो अभी आप जो काउंटर अभी हम लोग सिल्क चौक अभी आपने एक सिल्क चौक में भी है और हिरन ऐसे कितने काउंटर हैं और कहाँ कहाँ पर हैं आप? देखिए हम लोगों ने काउंटर कुछ ऐसे जगह लगाए हैं जहाँ पे सारे लोग आते हैं, जैसे शिल्प जो हमने लगाया था 3-3 परीक्षा हमारे पास थी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ हमारे काउंटर्स नहीं है और वो लोग हमारे पास आ नहीं सकते, तो उन लोगों तक हम खाना पहुँचा देते हैं, जैसे रोहिंग्यन गाँव हुआ या आपको रामसेट कॉलेज के पीछे का जो गाँव है पेड़ है, तो वहाँ पर उनको पैकेट की जरूरत पड़ती है, किसी को 150 पैकेट चाहिए होता है, किसी को 200 पैकेट चाहिए होता है, तो उन लोगों तक हम पैकेट अपनी गाड़ी से उनको पहुँचा देते हैं, जो आके यहाँ ले आते हैं तो उनको दे देते हैं, जो नहीं आ पाते लॉकडाउन की वजह से या दूरी की वजह से हम डिस्ट्रीब्यूट उनके घर पे जाके करते हैं। अच्छा सुनिए, तो अभी जो अपना जो खाना बांट रहे हैं इसके अलावा भी और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर, ऐसी भी कुछ व्यवस्था आप लोगों ने आपके फोन से? हमारी बिल्कुल ऐसी व्यवस्था रहती है, बहुत से लोग मास्क भी देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई 200 कोई 300 मास्क उनको डोनेट करते हैं, और जिनके पास हम मार्केट में जब हम जाते हैं जिनके पास मास्क नहीं होता तो मास्क हम हर आदमी को मास्क भी देते हैं, उनको सैनिटाइजर भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ आपको लगे कि इस जर्नी में समाज के कुछ और भी जो लोग हैं वो आपके साथ में आए, और चाहे अभी आपकी जो कारवा बढ़ती जा रही है ऐसा कुछ हो रहा है किसी का भी अकेले ही आप अपने फाउंडेशन से कर रहे हैं? नहीं, मैं शुरुआत जब मैंने की थी मैंने अकेले शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया वैसे वैसे कुछ लोग जुड़ गए मेरे साथ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं या जुड़ के नहीं काम करना चाहते लेकिन अलग से काम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों तक राशन पहुंचाना, लोगों का पेट भरना मेन हमारी मकसद है, वो कोई भी कर रहा हो। तो जब मैं स्टार्ट की तो उसमें कुछ लोग मेरे साथ नहीं थे, बिल्कुल मैं अकेला था, लेकिन धीरे 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 लोग बढ़ते गए और जितने आप देख रहे हैं सारे वॉलंटियर्स हैं जो बाद में हमसे जुड़े, वो लॉकडाउन के बाद हमसे जुड़े और हम हमारा साथ दे रहे हैं। अभी कुछ ऐसे वॉलंटियर जो अपना पूरे ड्रेसअप में है और रहने के बाद नहीं है, एक अच्छी पहल जो अभी हम लोगों ने देखा इस लॉकडाउन में, अपने समाज से सोसाइटी से कुछ लोग बाहर निकले और उन्होंने समय को उपयोग किया और इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा कि अपनी सेफ्टी
और सामने में कभी कोई ऐसा लॉकडाउन का पालन भी हो, दूसरे को तकलीफ न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं और किसी भी आदमी को किसी चीज़ की भी जरूरत हो फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9004100।